हेलो फ्रेंड्स, आइए बात करते हैं लिकर सेक्टर की कंपनी के बारे में जो कि काफ़ी अभी अच्छा तेजी में है। कंपनी का नाम है रेडिको खेतान लिमिटेड। ये कंपनी का आज का क्लोजिंग था 1095 का और उसने 52 वीक हाई लगाया था 1215 का। मैं इस कंपनी के बारे में इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि रिसेंटली इसकी न्यूज़ आई थी कि ये दो प्रीमियम ब्रांड की अपने विस्की और वोडका लॉन्च कर रहे हैं अभी फेस्टिव सीजन को देखते हुए। और दोस्तों, आप तो जानते ही हैं, ड्रिंकिंग का जो कल्चर है वो लगातार बढ़ ही रहा है, तो कंपनी में डाउनफॉल आने का तो कोई सवाल ही नहीं आता है। कंपनी लगातार प्रॉफिट में है, इसका ईपीएस भी शानदार है, 20 का ईपीएस है जो कि इंडस्ट्री के हिसाब से बहुत बढ़िया है। इसका पी 50 का है, वो थोड़ा ज़्यादा है क्योंकि देखिए कंपनी जो प्रीमियम होती है उसका पी थोड़ा ज़्यादा में मिलता है हम लोगों को। और इसका डेट टू इक्विटी रेशियो बहुत ही अच्छा है, 0.15 का है, तो कंपनी करीब करीब डेट फ्री है। और इसका प्रोमोटर होल्डिंग अगर हम देखें तो प्रोमोटर्स के पास करीब करीब 40% है, FII DII का मिल के करीब करीब 40% है और पब्लिक के पास सिर्फ 21% है। तो आप सोचिए कि FII DII का होल्डिंग 40% है तो कंपनी पे कितना फेथ होगा, उनको इनके ग्रोथ पे कितना फेथ होगा, क्योंकि ये सेक्टर ही ऐसा है कि इसमें मंदी का कोई सवाल ही नहीं आता है और इसके ब्रांड्स काफ़ी पॉपुलर है पूरे इंडिया में। इसलिए रेडिको खेतान को आप जरूर कंसिडर कीजिए। अब सवाल ऐसा है कि इसको बाय कब करना चाहिए। अभी स्टॉक थोड़ा गिरावट में है, तेजी लगाकर पूरा ऑल टाइम हाई लगाकर अभी थोड़ा नीचे आ रहा है, तो इसको आप 1000 से 1050 के रेंज में करीब करीब 1020 के आसपास आप इसको बाय कीजिए और होल्ड करके रखिए। ये आपको स्विंग ट्रेडिंग में भी इस लेवल से अच्छा प्रॉफिट दे सकता है और जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है वो भी 1000 to 1050 के आसपास इसको एक्युमुलेट करना शुरू कीजिए। आने वाले दिनों में ये स्टॉक आपको अच्छा प्रॉफिट दे सकता है। और रेडिको खेतान के बारे में आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस करके भी डिसीजन ले सकते हैं। थैंक यू।